नमस्ते दोस्तों, मेरे पाँच मिसाली रान्ना घर में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे कटहल के साथ चिकन। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा साइज का कटहल को हल्दी के साथ उबाल के रखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो आलू ले लिया है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट के। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है छोटे छोटे क्यूब में काट के। आप चाहे तो चिकन दूसरा भी ले सकते हैं, मतलब बोन के साथ भी ले सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही पे मैंने पहले ही जीरा पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद एक चम्मच मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर ऐड किया है। फिर एक चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तीखापन आप अपने अनुसार दीजिएगा, तीखा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा तीखा दीजिएगा यानी कि लाल मिर्च। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, ये कलर के लिए है, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड किया है। उसके बाद मैंने सब कुछ अच्छे से मिला लिया है दही के साथ। ये मसाला आप लोगों को रेडी करके रखना है पहले से, तो दही के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सारे मसाला को मिक्स करके इसको साइड में रख देना है। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई पे मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। फिर तेल को गरम होने देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले ही आलू को डाल दिया है। आलू डाल के थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बस लाइट फ्राई करना है इसको। तो आलू को जल्दी पकाने के लिए उसमें मैंने पहले ही नमक दिया है, और कलर के लिए फिर हल्दी दे दिया है, हल्दी पाउडर। फिर अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। ध्यान रखिएगा लाइट फ्राई ही करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मेरा यहाँ पे लाइट फ्राई हो चुका है, तो मैं आलू को तेल से बाहर निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद ज़्यादा तेल लगेगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा और तेल डाल रही हूँ। और उस तेल में मैंने पहले ही तेज पत्ता डाल दिया है 2 से 3। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला को आप थोड़ा सा पीस लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो जो इलायची होता है ना, इलायची के लिए पीस लेना अच्छा होता है, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाल दिया है कलर के लिए। फिर यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज ऐसे छोटे छोटे काट के डाल दिया है, बारीक काट के 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने। आप लोग अगर ज़्यादा बनाएंगे तो प्याज आप लोगों को ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने छोटा कटहल लिया था तो ज़्यादा नहीं लगा मेरे लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने। लहसुन आप लोग चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि लहसुन ज़्यादा डालने से आप लोगों का टेस्ट ज़्यादा होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टमाटर डाल दिया है, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर बारीक काट के डाल दिया है मैंने। और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया है। अब सारे मसाला को एक साथ अच्छे से पका लेना है। फिर उसके बाद जो मिक्सचर हमने बना के रखा था दही के साथ, तो वो मिक्सचर आप लोगों को डाल देना है इसमें, जो मसाला का मिक्सचर था। और उसके बाद इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है थोड़ा सा। अच्छे से मसाला को रेडी कर लेना है, कढ़ाई में अच्छे से पकाना है, तो पानी डाल दिया है इसको मैंने ताकि मसाला जल ना जाए। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाला को, और अच्छे से पकाने के लिए इसको धीरे धीरे पकाते रहना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया है। अब मसाले के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, कोई झमेला नहीं है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। फिर चिकन डालने देने के बाद कुछ देर बाद ही आप लोग आलू भी डाल देना है मसाले के साथ, और मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स कर लेने के बाद ही आप लोगों को जो जैकफ्रूट हमने बना उबाल के रखा था पानी में हल्दी डाल के, तो जैकफ्रूट यानी कि वो कच्चे कटहल को डाल देना है इसमें, और मिक्स करते रहना है। सब कुछ अच्छे से पका लेना है धीरे धीरे। थोड़ा नमक मैंने इसमें डाल दिया है, नमक आप लोग ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। मैंने यहाँ पे चख के ही डाला है नमक। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए पानी ऐड किया है। आप लोग चाहे तो ड्राई भी बना सकते हैं, और ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा पानी डालिएगा, उसके लिए नमक भी ज़्यादा लगेगा, तो आप लोगों को पता ही होगा वो।
फिर थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद ही इसमें एक चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और घी डाल देना है एक बड़ा चम्मच। आप लोग घी चाहे तो दो चम्मच भी डाल सकते हैं, जो लोग ज़्यादा घी खाते हैं, तो मैंने एक चम्मच ही डाला है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है सब कुछ। देखिए रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप लोग सर्व कर सकते हैं राइस के साथ। अब बस ओवन बंद करके स्टैंडिंग टाइम पे रख देना है। ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कमेंट और शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी मैं नई रेसिपी लेके आऊँ सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए।